शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे अरे कीर्ति रानी, आराम से अपने टॉक टॉक वाली भाषा में दो चार शब्दों में हमें समझाओ कि क्या हुआ। हमारा सबसे महंगा हार चोरी हो गया, वो भी हमारे घर से। घर से हार चोरी हो गया? कीर्ति बेटा, आपने ठीक से तो देखा? हाँ हाँ, हमने ठीक से देखा। इतना शोर मचाने से पहले ना हमने अपने घर के एक एक कोने में चेक किया, हार गायब है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि हार हम में से किसी ने चुराया है? बुआ जी, हार घर से गायब हुआ है और कोई घर में आया नहीं, तो चोरी तो घर से ही हुई होगी ना। अरे कीर्ति, कई बार हम अपना सामान खुद ही इधर उधर रखते हैं, हमें याद नहीं होता है। दीदू, हमने एक एक कोने की जांच की, ना हार मिला ना कोई सबूत। जांच, सबूत, भाभी आप अफसर हैं और पूरे घर को आप पे नाज है, पर ये आपका थाना नहीं है। क्या आगे खड़ा है हर इंसान आपके लिए मुजरिम हूँ। अरे आए दिन हमारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन दूसरे दिन मिल जाती हैं। लेकिन इतना बड़ा कोहराम मचाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, मैं कीर्ति की मदद कर देती हूँ हार ढूंढने में, मिल जाएगा। दीदू, हमारी नजर ना तेज है और हमने 3 बार चेक किया, हार नहीं है। हमें दिवाली पर पहनना था वो। अब ये क्या नई मुसीबत, थानेदारनी ने जांच शुरू कर दी और मैं पकड़ा गया तो क्या करूं? ये कीर्ति बेटा, शांत हो जाइए, हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। कैसे शांत हो जाए माँ, इतना महंगा हार चोरी हो गया हमारा। कीर्ति, हो सकता है तुमने अपनी किसी सहेली को दे दिया और तुम भूल गई हो। कैसे भूलेंगे वरुण जी, हमने दिवाली में पहनने के लिए निकाला था। और जिस तरह से आप मुझे देख रही हैं, आपने मन तो बना ही लिया होगा शायद, चोरी मैंने ही की है ना? नहीं कुणाल, कोई ऐसा नहीं सोच रहा है तुम्हारे बारे में कुछ भी। कोई बात नहीं, हम हार को घर में ही ढूंढते हैं, घर में ही होगा, कहीं घर से बाहर तो नहीं गया होगा ना। इतना तमाशा बनाने से अच्छा है हम हार को घर में ही ढूंढे। तो ठीक है, फिर तलाशी कर लेते हैं सबकी, हार भी मिल जाएगा और बेकार में किसी पे शक भी नहीं रहेगा। ओए पागल हो गया क्या, घर वाले क्यों तलाशी देंगे? अभय बिल्कुल सही कह रहा है। अरे हम घर में एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, शक नहीं, और कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई करे ना करे, लेकिन हमेशा सबको शक मुझ पे ही हो, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि ले लीजिए तलाशी। ठीक है, एक झटके में सब साफ हो जाएगा, तो तलाशी होगी और शुरुआत तुमसे होगी। वरुण जी, कुणाल की तलाशी लीजिए। नहीं इसके पास कोई हाथ। तलाशी से शर्मिंदगी नहीं हुई, मुझे तसल्ली हो गई कि कम से कम अब कोई इशारों में मुझे चोर नहीं कहेगा। किसी एक की तलाशी लेकर उसे शर्मिंदा करना, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ऐसी बात है तो घर में सबकी तलाशी होगी, घर में इतने सारे लोग हैं तो सबको तलाशी देनी चाहिए और मुझे भी। कैसी बातें कर रही हो तुम आरती, अब किसी की तलाशी नहीं होगी। क्यों, जब कुणाल की तलाशी हो रही थी तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, आपने भी। आरती चुप, we
चोरी किया था। ये हमारा घर है, थाना नहीं। ऊंची आवाज में तुमने हमें कहा था ना, घर में चोरी कर सकते हो, थाने में नहीं। तुम्हें पता है, घर से बाहर अगर किसी की चीज उठाई जाए तो उसे चोरी कहते हैं। इतनी धाराएं लगाएंगे ना तुम पे कि तुम्हारी ना हवा टाइट हो जाएगी। अरे अभय, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने घर में चोरी करते हुए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि तुम हमारा हार चोरी कर रहे हो? बस करना कीर्ति, तू घर पे है, अपने पुलिस स्टेशन में नहीं है, अपने घर वालों से बात कर रही है तू। कम से कम इस मर्यादा का तो ख्याल रख। और अभय ने चोरी नहीं किया है, मैं अच्छे से जानती हूँ इन्हें। थीदू, हम घर में, आंखों के सामने सबूत है हमारे। आप सबने देखा ना कि ये हार अभय के पॉकेट से गिरा है, इसमें क्या कहेंगे आप? कीर्ति, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। सही कह रही है ये, इसी ने फंसाने के लिए मुझे ये सब कुछ किया है। बदला लेना चाहती हो ना मुझसे? अरे गुस्से में जा रहा था, धक्का क्या लग गया तुम्हें? तुमने तो पूरी प्लानिंग कर ली मुझे जेल भिजवाने की। दीदू, आप इसकी तरफदारी कर रही थी? ऐसा चोर चोरी से जाएगा, सीना जोरी से कैसे जाएगा? अबे तू ये क्या कर रहा है? अरे श्रद्धा का इस बात से कोई लेना देना नहीं, तू उसे इस बीच में क्यों घसीट रहा है? अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब है मेरा लेना देना इससे? देख भाई, मैं तुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, वो आजकल तेरी तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो हो सकता है कि गलती से तुझसे। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं चोरी करने लग गया? आप सबको यही लगता होगा ना यार, पर भाई तू तो इस घर का लायक बेटा है, मैं ही हूं ना नालायक बेटा। बात सिर्फ सोचने की नहीं, अरे ये हार इसके पॉकेट से गिरा है। हम तो पहले से ही कह रहे थे ये रोज रोज के तमाशे ही ना होते अगर इसे हॉस्पिटल भेज देते हम। कीर्ति, ये क्या तरीका है हमारे बेटे से बात करने का? हाँ, वैसे भी इस घर में आज तक जितने तमाशे हुए हैं उसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम वो बहू हो जिसको ये भी नहीं पता है कि ये उसका घर है, थाना नहीं। और अगर तुम्हें बात करने की तमीज नहीं आती है तो अपना मुंह बंद रखो। कमाल है चाची जी, घर की बहुएं जबान संभाल कर बात करें और आपका ये लायक बेटा, इससे कोई उम्मीद नहीं है आपको? वो ना जबान संभाले, ना अपना हाथ और ना अपनी हरकतें। कीर्ति, चाची नहीं, तनुजा, आप हमारी बहू पे हाथ नहीं उठा सकती। बस भाभी, आप बस कीजिए, आपकी बहू की जबान कैंची की तरह चल रही है तो कुछ नहीं। रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता, मशक्कत दोनों तरफ से लगती है। बस ऐसे ही आपस में लड़ते मरते रहो और मुझे ऐश करने दो, सीन तो जबरदस्त। कुछ नया नहीं है चाची जी, आपको लगता है कि हम तमाशा कर रहे हैं, पर सच ये है कि आप अपने बेटे की घटिया हरकतों पे पर्दा डालती रहती हैं। पहले भी करती थी और अभी भी कर रही हैं। हाँ हाँ, गलतियों के बारे में तो सब कुछ तुम्हें पता होगा कीर्ति, क्योंकि हमेशा गलतियां तो तुम ही करती हो। अरे तनुजा, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया कीजिए। अरे बस कीजिए आप सब भगवान के लिए, किसी के अंदर क्या चल रहा है ना वो हम नहीं समझ पाते। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, बल्कि वो हार जाता है, खुद से हार जाता है,
दूसरों के आगे हार जाता है और कभी कभी अपनों के आगे हार जाता है। अभय की भी अभी वही स्थिति है, वो सब कुछ देख तो रहे हैं लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे। अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ाई कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बदले में हम सब क्या कर रहे हैं, उन्हें समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे। आप सभी बताइए ना, अगर कल को ऐसा हो जाए कि अचानक से एक झटके में आपकी 10 साल की सारी यादें, वो सारी बातें, सारे लोग एकदम से गायब हो जाए और धीरे धीरे एक एक करके वो सभी यादें आपके सामने आए। अभय भी इस वक्त उसी से गुजर रहे हैं, वो धीरे धीरे इस नई जानकारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमें उनका पूरा पूरा साथ देना होगा, उन्हें सब कुछ प्यार से समझाना होगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और कीर्ति, ये हार अभय के जेब में कैसे आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये चोरी अभय ने नहीं की है। प्लानिंग के साथ जिसने भी ये चोरी की है दीदू, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। मुझे भी लगता है कि अकेले रोना ही बेस्ट है। जब सवाल भी अपने और जवाब भी, तो खुद से बातचीत तो होती रहनी चाहिए, है ना? क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अब वो अभय अंदर है तो मैं उन्हें पिछले 10 सालों का कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? क्यों याद नहीं आ रहा है? क्यों याद नहीं आ रहा? अबे, अबे। अबे। Are you okay? आप अपना ख्याल रखिए, अभय की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अबे, अबे प्लीज रिलैक्स, बैठो अबे प्लीज। अब पहले तुम मुझे ये बताओ कि हो क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा डॉक्टर, सब कुछ धुंधला याद है, तस्वीर साफ ही नहीं हो रही है, कितनी भी कोशिश कर लूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 10 साल का कुछ भी याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर मैं पागल हो जाऊंगा। रिलैक्स, आप जल्दी से जाइए और इनकी दवाई लेके आइए प्लीज। जी। अभय, जो तस्वीर तुम्हें दिख रही है वो पिछले 10 साल की तुम्हारी यादें जमी हुई है और ये दवाइयों से वो तस्वीर साफ हो जाएगी और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ओके डॉक्टर? सच मुझे सब याद आ जाएगा ना? बिल्कुल अभय, इसीलिए तो यहां पर मैं रोज आता हूं तुम्हारा फुल एंड फाइनल इलाज करने। मैंने अभय को दवाई दे दी है, अभय अभी शांत हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। भैया, हमें भी कुछ दे देना दिवाली के लिए, हम भी दिवाली मना लेंगे। ऐसे दिवाली कौन मनाता है? आओ चलो धूम मचाते हैं। भैया, नहीं, 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 नहीं,
कैसे मनाएगा दिवाली बच्चों को डरा के? हाँ अब तू कूद, मैं देखता हूं। डरा बच्चों को डरा के हीरो बनेगा, अब देख कैसे देखो हीरो से जीरो बनाता हूं। अबे 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 रुक जाओ, रुक जाइए अबे, अबे रुक जाइए। ये क्या कर रहा है? मर जाएगा वो, छोड़ दे। अरे छोड़, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? छोड़ भाई, रुक जा, जाएगा वो। अबे क्या गया तुझे? जान ले लेगा क्या उसकी? तू शांत हो जा भाई, चल मेरे साथ, चल चल आ जा, चल। ये क्या हो रहा है अभय के साथ? कुछ तो है जो ठीक नहीं है, उन्हें ऐसे नहीं रहने दे सकती। डॉक्टर नीरज, हेलो श्रद्धा जी, ऑल ओके? डॉक्टर नीरज कुछ ओके नहीं है, अभय पे दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। आज तो बात इतनी ज्यादा हाथ से निकल गई कि अभय किसी को पागलों की तरह मार रहे थे। मुझे डर लग रहा है ऐसे में अभय को कुछ हो ना जाए। मैंने उनका बर्ताव ऐसे कभी नहीं देखा, मेरे अभय ऐसे नहीं है डॉक्टर। ओह माय गॉड, ये बात मेरे दिमाग से निकल कैसे गई? क्या? देखिए श्रद्धा जी, I'm sorry to say this, but ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभय हमारे सामने वो दवाइयाँ मुंह में रख रहा हो और कहीं चोरी छिपे जाकर वो दवाइयाँ फेंक रहा हो। हाँ, शायद, शायद ऐसा हो सकता है। श्रद्धा जी, मैं आपसे अभी जो बात कह रहा हूँ, हो सकता है वो आपको थोड़ी अजीब लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको और अभय को कहीं बाहर जाना चाहिए। शायद अभय वो पुरानी बातों को भुलाने के लिए खुद पर दबाव डाल रहा हो और हवा पानी चेंज होगा तो यहाँ की घुटन भी थोड़ी कम लगेगी उसे, है ना? हाँ, अब ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर के सामने तो मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन लेकिन अभय मेरा नाम सुनकर ही इतना भड़क जाते हैं, ऐसे में उन्हें अपने साथ बाहर लेकर कहीं जाना ये आसान नहीं होगा। चलो यार, अब कल से तुम्हारा काम खत्म, अब तुम्हारा मरीज जाएगा अपने अंतिम सफर पे। जो दिवाली वो देख भी नहीं पाएगा, उस दिवाली का मैं डबल जश्न मनाऊंगा। श्रद्धा, अब तुमने जश्न मनाने के लिए तो ये गुपचुप और तत्कालीन मीटिंग बुलाई नहीं होगी, तो अब बताओ भी क्या बात है? देखिए, डॉक्टर नीरज का ये कहना है कि अभय की जो हालत है ना, उसमें सिर्फ दवा काम नहीं करेगी, ऐसे में हमें उन्हें कहीं बाहर लेके जाना होगा जिससे थोड़ा माहौल बदले, शायद उससे थोड़ा उनकी तबीयत में सुधार आ जाए। जिसे हम सब घर वाले मिलके भी नहीं संभाल पा रहे, डॉक्टर ने कहा उसे बाहर लेके जाने को। अगर हवा पानी बदलेगा तो शायद उनकी तबीयत में कुछ फर्क पड़े। अरे ये डॉक्टर इलाज कर रहा है कि हम सबके लिए मुसीबत ज्यादा खड़ी कर रहा है? हमारे इसको देख कर पगला जाता है, इसके साथ बाहर कैसे जाएगा? और बाहर क्यों जाना है? हवा पानी बदलने के लिए, हवा पानी तो बदलने से रहा, ऊपर से हम सबकी हवा उड़ा देगा वो। हाँ श्रद्धा, हमें नहीं लगता अभय इस बात के लिए हाँ कहेंगे। हाँ वहाँ छोड़िए दीदू, आपको लगता है कि आपको उसके साथ जाना चाहिए? उसका जो बर्ताव है आपके साथ, हमें तो सही नहीं लगता ना, आपको नहीं जाना चाहिए उसके साथ। कीर्ति, अगर तू अभय की हालत नहीं समझ रही है तो कोई बात नहीं, मगर ऐसा तो कुछ मत बोलना, और
मुझे कुछ नहीं होगा, अभय कुछ नहीं करेंगे मेरे साथ ऐसा। अरे श्रद्धा तुम तो तैयार हो, लेकिन मुसीबत यह है कि अभय को कैसे समझाएं? मम्मी जी हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ सोचना होगा, शायद कोई रास्ता निकल जाए। भैया वापस आ रहे हैं ना लखनऊ से, और अभय के कान खींचकर उसे एक ही इंसान सीधा कर सकते हैं और वो है हमारे भैया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बुआ जी, अभय पापा जी की बात को तो कभी नहीं टालेंगे और उन्हें मेरे साथ बाहर चलना ही पड़ेगा। लड़की को छोड़। छोरी तो अब हमारे साथ जाएगी। अभय तो गया और ऐसा गया कि कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएगा। अब तक तो मेरे आदमियों ने अपना पूरा काम कर लिया होगा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।